ग्राम पलवट में पीओएस मशीन का विरोध, पब्लिक बोली अंगूठा नहीं लगाएंगे, ऑफलाइन ही राशन चाहिए अन्यथा दुकान बंद करें पार्टी। प्रदेश व केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान राशन कार्ड धारियों को नवंबर माह तक निशुल्क राशन वितरण की घोषणा की है, लेकिन गरीबों को शासन द्वारा दिए जा रहे अनाज का नसीब नहीं हो रहा है। मंगलवार को ग्राम पलवट में उपभोक्ताओं ने पीओएस मशीन से राशन वितरण का भरपूर विरोध किया। उपभोक्ता दिनेश ने बताया कि क्षेत्र में अभियान चलाकर आधार शिंडिंग का कार्य किया गया था, जिसमें नए नाम जोड़ना व पुराने को हटाने का कार्य किया गया था, जिसके कारण उपभोक्ताओं को पात्रता पर्ची के अनुसार राशन नहीं मिल रहा है। पीओएस मशीन में पात्रता पर्ची के अनुसार राशन वितरण नहीं हो रहा है, ऑनलाइन राशन वितरण में समस्या आ रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि हमें पात्रता पर्ची के अनुसार ऑफलाइन राशन चाहिए। वही दिनेश ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरियों का पालन सहित हाथ को बार बार संक्रमण से बचने के लिए सैनिटाइज करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन पीओएस मशीन में सभी को थंब लगाकर राशन दिया जा रहा है, जिससे कोरोना फैलने का भय बना है, जिससे हमें ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन राशन चाहिए। दिनेश ने बताया कि 100 से अधिक उपभोक्ता है जिन्हें पात्रता पर्ची के अनुसार राशन नहीं दिया जा रहा है। जब तक पात्रता पर्ची के अनुसार ऑफलाइन राशन नहीं दिया जाता है, तब तक कोई भी उपभोक्ता राशन नहीं लेगा। मंगलवार को सोसाइटी के सामने खड़े होकर ऑनलाइन पीओएस से राशन वितरण और का भरपूर विरोध किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष उपभोक्ता मौजूद रहे। दिनेश भाई, ये आज सोसाइटी में गेहूँ नहीं ले रहे, विरोध कर रहे, क्या है कारण? हमारा ये है कि विरोध कर रहे कि ऑनलाइन दुकान चल रही है यहाँ पे पलवट में, बाकी पंचायत में ऑफलाइन है, तो वहाँ पे जो गांव पूरे मिल रहे हैं पात्रता पर्ची के अनुसार। पलवट में जो ऑनलाइन करने से पूरे लोगों का घाटा जा रहा है, जिसका एक जन का, जिसका 35 किला का जो पात्रता पर्ची में है, 7 जन का नाम है, उसको 35 किले मिलते थे पहले, तो 35 के जाके अभी 5 किले मिल रहे है ना, तो उनको अभी 3 महीने का जो गांव बांट रहे हैं यहाँ पे, तो एक जन का एक कूपन पे उसका 90 किला का घाटा जा रहा है। और एक तरह सरकार कह रही है कि बीमारी चल रही है, सावधानी रहो, कोरोना वायरस चल रही है, फैलती है ये बीमारी, एक जन के लगते तो सभी लोगों का फैलता है, ऐसे सरकार का कहना है। तो हमको ये कहना चाह रहे कि आप भाई, अगर बीमारी चल रही है तो ऑनलाइन क्यों होने दुकान चला रहे, ऑफलाइन कर दो। ऑफलाइन में जो परिवार में एक परिवार के सदस्य 2-3 कूपन है, तो एक जन भी ले जा सकते हैं इसमें। अभी एक जन का जो कोरोना वायरस का जो लक्षण है, उसी मशीन पे सभी लोग, मतलब यहाँ जितने भी आए उतने अंगूठा लगा रहे, तो उतने सब में फैल जाएंगे ना। तो सरकार सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रहे हैं, और सोशल डिस्टेंस का पालन तो सरकार नहीं करने दे रही हमको, हम कैसे करें सोशल डिस्टेंस का पालन? ठीक, यहाँ क्या कह रहे अभी सोसाइटी में जो सेल्समैन है उससे बात करें, क्या बता रहे? ये कह रहे कि जो नाम जुड़ा हो तो भी मिलेगा, ऐसे कह रही है। नहीं होगा तो नहीं मिलेगा राशन? नहीं होगा तो जितने का नाम जुड़ा है उतने मिलेगा, ऐसा कह रही है। तो आपका क्या कहना है कि राशन लोगे या नहीं? तो हम सरकार दे रही है फ्री, तो पूरे गांव में मिलना चाहिए पात्रता पर्ची के अनुसार। ऐसे हमको क्या, अगर पात्रता पर्ची अनुसार नहीं देंगे तो आप लोगे या नहीं? नहीं लेंगे ना। कब तक नहीं लोगे? जब तक जो पात्रता पर्ची के अनुसार नहीं देंगे, जब तक नहीं लेंगे। हमारा पूरा, हमारे हक के लिए हम लड़ रहे हैं ना, तो हमारा गांव पूरा मिलना चाहिए। कि आप लॉकडाउन सरकार लगवा दिए यहाँ पे, तो लोग कोई मजदूरी करने, दहाड़की करने जाते थे, वो भी दहाड़की नहीं करे। तो अब सरकार जो गांव भेज रहा है, तो उसमें तो मतलब परिवार में 7 जन 8 जन है, उसमें 5 किला मिलेगा, तो कैसे करेंगे, कैसे मतलब परिवार चलाएंगे?